नमस्कार, ससी लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हेल्दी डिलीशियस एंड क्विक रेसिपी। अगर गर्मियों में आपका कुछ नया खाने का मन करता है तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। आप इसे व्रत में या कभी भी बना के खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गर्मियों में बनाकर इसे आप खूब इंजॉय कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें। एहसान करके हमने पैन रख दिया है। पैन हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम एक कटोरी है मखाने डालेंगे और इनको हम मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। इसमें हम घी नहीं डालेंगे, इन्हें हमें बिना घी के ही रोस्टेड करना है। मखाने को भूनते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, मखाने हमारे भून गए हैं। इससे ज़्यादा हमें इनको नहीं रोस्टेड करना है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तक हमारे मखाने ठंडे होंगे, इनको हम ग्राइंड करेंगे। तब तक हम दूध को बॉईल कर लेंगे। ये देखिए, उसी पैन में हमने आधा लीटर दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है और इधर मखाने को भी हमने बारीक ग्राइंड कर लिया है। देखिए फ्रेंड, दूध हमारा बॉईल होने लगा है। जब ये अच्छे से बॉईल होने लगेगा तब इसमें हम 2 से 3 चम्मच चीनी मिलाएंगे। मीठा आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसे बिल्कुल फैटलेस बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी बनने के बाद आप 2 से 3 चम्मच इसमें शहद मिला दें और खूब अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें हम डालेंगे मखाना पाउडर जो हमने बनाकर रखा है। 4 से 5 चम्मच हम इसमें मखाना पाउडर डालेंगे और इसे हम खूब अच्छे से मिला देंगे, जिससे कि इसमें लम्स ना पड़ने पाए। इसलिए इसे हम लगातार चलाते हुए गैस की फ्लेम को हम सिम रखेंगे और खूब अच्छे से इसको हम मिला देंगे। जब तक ये मखाना पाउडर दूध में खूब अच्छे से मिक्स नहीं होगा, इसको हमें लगातार चलाना है। अब देखिए, दूध में खूब अच्छे से मिक्स हो गया है, लेकिन मखाना और पाउडर का मिक्सचर हमको थोड़ा पतला लग रहा है। तो इसमें अभी हम 2 चम्मच मखाना पाउडर और मिलाएंगे और मिलाने के बाद इसे भी हम खूब अच्छे से दूध में मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और इसको हम 1 से 2 बॉयल आने तक इसको हम पकाएंगे। फ्रेंड्स, व्रत में जब भी आपको भूख लगे आप इसे बना के खा सकते हैं और अगर आप व्रत नहीं हैं तब भी आप इसको बना के खा सकते हैं। फैटलेस रेसिपी है। फैटलेस के साथ हेल्दी डिलीशियस एवं क्विक रेसिपी है। फ्रेंड्स देखिए, दूध हमारा गाढ़ा हो गया है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें हम फ्रूट्स मिलाएंगे। ये देखिए, हमारा फ्लेवर मिल्क नॉर्मल हो गया है। इसको हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, इस तरह से होनी चाहिए। आप चाहें तो इस फ्लेवर मिल्क को पहले फ्रिज में रख दें और जब ये ठंडा हो जाए तो खाने के समय आप फ्रूट्स मिला के खा सकते हैं या पहले भी फ्रूट्स मिला के आप फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखिए, हमने जो केले काट के रखे थे वो मिला दिए हैं और ये अंगूर कटे हुए हैं, इसको भी मिला देंगे। आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स मिला सकते हैं। अब इसमें हम ये अनार के दाने डाल के मिला देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच किशमिश डाल देंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट अपनी पसंद से डाल सकते हैं और इसको 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। जब ये खूब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब इसको हम सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, 2 घंटे हो गए हैं, हमारी मखाना पुडिंग ठंडी हो गई है। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, आप व्रत में या कभी भी आप बना के खा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़े से अनारदाने डाल के गार्निश कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मखाना पुडिंग तैयार हो गई है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।